हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज बुधवार है, लाइव मार्केट चल रहा है और ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अपडेट लेके आया था। ये मारुति सुजुकी है जो 6432 पे चल रहा है सीएमपी। आज 19 जून है, 2:09 का टाइम हो रहा है, आज लाइव मार्केट है और इसमें जो न्यूज है और जो पैटर्न है उसके अनुसार कहीं ना कहीं इसमें वीकनेस दिख रहा है और मारुति हो सकता है आपको 4800 का लेवल देखते को आपको मिल सकता है। पहला लेवल 5500 का, फिर 5050 का और फिर आपको 4800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके जो फंडामेंटल रीजन है, इसके कारण क्या है कि इनको BS6 लागू करना है। BS6 इनको अप्रैल तक लागू करना है और उसके पहले दिसंबर में ही अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे। तो दिसंबर में जब बंद होगा तो ऑलरेडी मतलब कि उसके प्रोसेस ट्रांजिशन पीरियड में इनको टाइम लग जाएगा। तो दूसरा, जो BS6 लागू करना है उसमें कॉस्टिंग इनकी बढ़ेगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा वहाँ पे। तीसरा क्या है कि इनमें जो इंश्योरेंस कॉस्ट IRDA रूल है वो इस पैसेंजर व्हीकल पे उन्होंने बढ़ा दिया है, तो कई 10 से 12%, 12 से 15% तक कर दिया है। तो इंश्योरेंस कॉस्ट में बढ़ेगी तो गाड़ियों का दाम बढ़ेगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल्स लोग ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो डाउन में है, ये भी एक कारण है। और ये उसके बाद और भी जो कारण है आपको, जैसे यहाँ पे आपको कुछ कारण है, इंक्रीज इन इंश्योरेंस कॉस्ट है, अनसर्टेनिटी पर्टेनिंग टू BS6, NBFC स्लो डाउन। हाँ, NBFC से क्या होता है, इनका अच्छा खासा बिजनेस है। आप देखेंगे NBFC से ऑटो इंडस्ट्री 1035 करोड़, 31 मार्च 18, इंक्रीज 1942 करोड़, 30 सितंबर, 6 महीने में इन्होंने 1000 से 1900। तो अब जो IL&FS के रीजन से NBFC को लोन नहीं मिलेगा, वहाँ एक कारण हो जाएगा। अब देख रहे हैं तो फुल ईयर GDP केम इन टू 6.80 अगेंस्ट सेकंड एडवांस 7%। GDP ग्रोथ में भी थोड़ी कमी आई हुई है। आंसर टेंडेंटली BS6 अप्रैल 2020 तक इनको लागू करने का है, उसके पहले इनको मेक इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस BS6 कंप्लेंट्स, उसके बाद दिसंबर 9 BS6 मॉडल बाय दिसंबर 9 BS4 जो मॉडल है दिसंबर 2019 तक बंद कर देंगे। ये इन सब कारणों से इंक्रीज इन IRD कॉस्ट, इससे क्या होगा कि नाउ जो यहाँ पे है इनको दी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रेट्स पर का फॉर कार्स लेस देन 100 cc एज इंक्रीज बाय 12%, 12% से इनका थर्ड पड़ जाएगा, एंड बिटवीन 1000 cc to 5000 cc इनके 12.5% फॉर कार्स एव 15000 cc, ये सब कॉस्टिंग बढ़ेगी, सब चीज़ें होंगी, तो जिनके कारण हो सकता है कि आपको यहाँ एक फॉल डाउन का रीजन आता है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, अगर इसको फॉल करता है तो एक इसमें एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी अगर इसको मैं 4 आवरली चार्ट पे देखूँ इसको, तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तोड़ने का और 1, 2, 3, 4, 5 बार हो चुका है, मीन्स 5 बार ही इसको नीचे की ओर तोड़ने की कोशिश की और बार बार यहाँ से किसी ना किसी कारण से उठा है। तो बार बार जिस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहा है चांसेस है उसको ब्रेक होने का। तो मुझे लगता है यहाँ पे 6300 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, जब ये टूटेगा 6300 का लेवल टूटेगा तो आपको नीचे की ओर 6000, 5500, 5000 तक जाते हुए आपको दिखेगा और इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। इस ट्रायंगल पैटर्न का विवाद कीजिएगा, जब इस ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ेगा तो यहाँ से कम इस लेवल को आपको टच करेगा 4800 के लेवल पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे देखें तो अब ये इसी लेवल यहाँ इस लेवल से उठ करके ये ऊपर की ओर गया था और 9800, 9000, 10000 तक का लेवल टच किया था, तो वापस ये लेवल को गेन करने की कोशिश करेगा। तो 4800 पे हो सकता है यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, लेने की कोशिश करें। और ट्रायंगल पैटर्न का फॉल यहाँ से जो इंक्रीज किया हुआ है एक साथ जो वर्टिकल इंक्रीज है उसको वर्टिकल इंक्रीज फॉल तो आना है, तो 4800 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है और हो सकता है ये आपको मारुति 4800 का लेवल दिखाए तो सरप्राइज नहीं होगा। BSE डेरिवेटिव में देखें तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये ऊपर नीचे दिखा रहा है, 2% से गेन दिखा रहा है, स्टॉक डेरिवेटिव में 6478 का 15 पॉइंट से ऊपर दिखा रहा है, पोजिशन भी ऊपर की ओर दिखा रहा है, तो आपको इसमें ट्रैप नहीं हो जाइएगा, फंस मत जाइएगा। और अगर डेरिवेटिव में देखने की कोशिश करें तो 25 जुलाई की एक्सपायरी देखें तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिख रहा है 25 जुलाई को 6000 पे एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, 6000 तक पे, इसके बाद 25 जुलाई में कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन 27 जून की ओर देखें तो 27 जून में भी देखें तो यहाँ पे 6000 पे 34000 का एक सपोर्ट है, तो 6000 एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल है और ऊपर 6500 दिख रहा है यहाँ पे 49000, 50000, मतलब 7000, 2,04,000, तो 6000 से 7000 के रेंज में आपको हो सकता है दिखे। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव व्यू से आप देखें तो बीरिस पोजीशन है ये, आपको बिफोर दिसंबर हो सकता है कि आपको एक बार ये 5000 का लेवल आपको दिखा दे मारुति, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। तो मारुति में मेरा एक व्यू था, बीरिस व्यू था। मारुति अभी जो CMP चल रही है 6451 लाइव मार्केट है,
लेकिन इसमें कोई भी पोजीशन बनाने के पहले कॉशियसली पोजीशन बनाएं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये नेगेटिव रिटर्न देता है, डिविडेंड पे करती है, डिलीवरी परसेंटेज जो है इसका 35 से 36% है, डिलीवरी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है ये आपको और नीचे को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रांजिशन पीरियड है अप्रैल 2020 वहाँ तक में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, और स्पेशली जब ये दिसंबर 2019 में अपने प्रोडक्शन को बंद करेगी तो वहाँ से सेल नहीं होगा, तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो मारुति 5000 और उससे भी नीचे 4800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो मारुति पे कॉशियस पोजीशन है, बेरिश व्यू है, मेरे कहने से मार्केट में कोई पोजीशन नहीं बनाए, आप अपना खुद एनालिसिस करें, व्यू करें, अपने फंड एडवाइजर से बात करें, फिर मार्केट में जो पोजीशन चाहें आप बना सकते हैं। फिर भी इसमें एक डेरिवेटिव पे पेपर ट्रेडिंग जुलाई का करें तो अच्छा रहेगा, लगता है हो सकता है अच्छा हो। 6000 का आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो मिल रहा है, 72 रुपये पे मिल रहा है, तो अगर आप इसको ट्राई करें, या एट द मनी अभी 6400 का 185 पे मिला, ज़्यादा कॉस्टली है, ये जो होता है आपको सिंपल 75 का लॉट होता है, 5100 बाइंग है, मिनिमम था इसका 46, अभी 72 हो चुका है, लो 46 का भी दिखाया है, तो आप चाहें तो इस पे पोजीशन बना करके चेक करके वेट करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।